डायल 100 में आज बात सबसे पहले जयपुर में हुए एक बच्चे के अपहरण की वारदात की, जो कुछ देर तक अपहरण था लेकिन बाद में ये अपहरण जिला प्रशासन की एक कार्रवाई के रूप में सामने आया। जिला प्रशासन की ओर से चल रहे ऑपरेशन मुस्कान के तहत आज एक बच्चे को बीच रास्ते से उठा लिया गया। अचानक हुए इस घटनाक्रम के बाद हड़कंप मच गया। पुलिस महकमे भी अचानक हुई इस घटना के बाद खलबली मच गई, लेकिन वाकये को खंगालने के बाद जो सच सामने आया उसने सभी को चौंका दिया। दो विभागों के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान में ऐसी कमी रही कि पूरा मामला ही पलट गया। रिपोर्ट जयपुर से। समय सुबह करीब 10:30 बजे का, इलाका सोडाला। करीब 17 वर्षीय किशोर जब अपने रास्ते से गुजर रहा था, इसी बीच कार में सवार कुछ लोग वहां पहुंचे और अचानक युवक को काबू में कर उसे अपने साथ बिठा लिया गया। इस वाकये से इलाके में हड़कंप मच गया, अचानक शोर मच गया। एक किशोर के अपहरण की वारदात आग की तरह फैल गई। मामला पुलिस के पास भी पहुंच गया। इन पीड़ितों को देखिए, सोडाला पुलिस थाने की दहलीज पर ये बुजुर्ग महिला केवल आंसू बहाती रही। उसके बच्चे का अपहरण कर लिया गया, ये इसकी पीड़ा थी। मामला जब खाकी के पास पहुंचा तो किशोर के अपहरण के मामले में वो भी हरकत में आ गई। आखिर राजधानी में दिन दहाड़े अपहरण की खबर के बाद पसीना तो आना ही था। लेकिन अब आपको इस प्रकरण की असल तस्वीर बताते हैं। दरअसल ये अपहरण नहीं था बल्कि ऑपरेशन मुस्कान के तहत एक कार्रवाई थी, और इस प्रकरण में पुलिस अधिकारियों ने भी साफ तौर पर माना कि सूचना के अभाव में ये हड़कंप मच गया। सूरज नाम का एक बच्चा था जिसकी सोडाला में इन्फॉर्मेशन आई थी, उसको कोई वैन में डाल के ले गए। हमने वापस वहाँ जाकर के वेरीफाई किया तो घटना तो ऐसी ही थी। बाद में संपर्क करने पर पता लगा कि ऑपरेशन मुस्कान के तहत उस बच्चे को वहाँ ले गए, तो वो गांधीनगर में है, वहाँ पे उसका वापस डिस्पोजल हो जाएगा। यहाँ पुलिस ने भी साफ कर दिया कि उन्हें जानकारी नहीं थी। और अब आइए आपको दिखाते हैं वो परिवार जिसके बच्चे को ऑपरेशन के नाम पर उठा लिया गया। फर्स्ट इंडिया ने जब इस पूरे प्रकरण की पड़ताल की तो चौंकाने वाला सच सामने आया। दरअसल जिस बच्चे को सुधार के नाम पर उठाया गया था, वह डिग्गी से जयपुर अपने मामा के यहाँ एक उत्सव में भाग लेने आया था। परिवार के दूसरे युवक के साथ जब वह रास्ते से गुजर रहा था, इसी दौरान ऑपरेशन मुस्कान को कामयाब बनाने का दम भरने वालों ने उसे उठाया और लेकर चल दिए। लेकिन दूसरा युवक वहां से भागकर घर पहुंच गया और पूरे मामले की जानकारी अपने घर वालों को दी। हमारे बच्चा था तो एक मेरे साले का लड़का था और एक मेरे साडू का लड़का था, बच्चे का मैं मोसा जी लगता हूँ। तो वो कहीं किसी काम से गए थे, वो वापस जब आ रहे थे तो उन दोनों बच्चों को क्या नाम से इन्होंने उठाया, लेकिन वो जो मेरे साले का बच्चा था वो तो इनसे छुड़ा के भग गया। और ये जो मेरे साडू के बच्चे थे ये डिग्गी से आए हुए थे यहाँ फंक्शन में अपने मामा के घर, उसको क्या नाम से ये उठा लाए यहाँ पे। हमारा कहना ये है कि ये कम से कम बच्चे से पूछते तो सही कि बेटा क्या नाम से, अंजे तुम्हारा, अंजे तुम यहाँ क्या कर रहे हो उठाने से पहले, और उसको ज़बरदस्ती। और ये कह रहे हैं कि साहब ये भिक्षा कर रहा था, तो हम जो दूसरा बच्चा था उसे पूछा जाए कि कौन सी भिक्षा कर रहा था। भाई हम कोई भिक्षा कराने वाले व्यक्ति थोड़ी हैं, जो क्या नाम से अंजे उसको भिक्षा करने का आरोप लगा दिया उस बच्चे पर। सिलपुरा नाड़े के अंदर एक दिन से गाड़ी रोकी और गर्दन पकड़ के उसके वो बोला कि ज़बरदस्ती बैठा है, कि बैठा ज़बरदस्ती कि नहीं बैठूँगा, बोले नहीं बैठ, पकड़ मतलब पीछे से गर्दन पकड़ के उसकी, और जी वो मारुति थी पता नहीं क्या थी उसके अंदर पटक के और उसको लेके आ गए। तो सुना आपने, ये वो लोग हैं जो किशोर सूरज सैनी के परिजन हैं। इनकी पीड़ा है कि उनका बच्चा भीख नहीं मांगता, वो डिग्गी के स्कूल में पढ़ाई करता है। लेकिन साहब इस कार्रवाई को क्या कहा जाए, जो शायद आंकड़ों का ही खेल मानी जा सकती है। इस मामले में जब फर्स्ट इंडिया ने बाल कल्याण समिति से संपर्क किया तो समिति के अधिकारियों ने ऐसा गोलमाल जवाब दिया कि जिससे साफ हो गया कि यहाँ सब कुछ गोलमाल है। हो सकता है कि वहाँ थाने वालों को इस जब अभियान चलाया गया जब मालूम नहीं हो, लेकिन बाद में उनको मालूम चल गया होगा इस अभियान को लेके। कई बार क्योंकि बड़ी कॉन्फिडेंशियल रखनी होती है, इसमें अचानक ही करना होता है, तो कई बार ऐसा होता है गैप्स हो जाते हैं। वाकई ऑपरेशन मुस्कान की हास्यास्पद कार्रवाई। एक तरफ पुलिस महकमे में अपहरण को लेकर हड़कंप, तो दूसरी तरफ
समिति कहती है कि यह उनकी कार्रवाई। लेकिन सवाल ये कि क्या ये अपहरण की कार्रवाई थी या फिर आंकड़ों का अजूबा, जिसमें किसी राह चलते किशोर को ही अपराधी करार दे दिया जाए। जिला कलेक्टर के निर्देशों पर चल रही ये कार्रवाई प्रश्न चिन्ह के घेरे में आ गई है। जहां पुलिस और प्रशासन के बीच मिसकम्युनिकेशन रहा, वहीं बच्चों के माँ बाप का आरोप है कि ये कार्रवाई एक तरफा रही और सिर्फ बच्चों को उठाने का काम इस तरीके का ये विभाग कर रहा है। जो बच्चे भिक्षावती में लिप्त नहीं हैं, उनको भी जबरन उठाया जा रहा है। कैमरामैन नरेंद्र के साथ अभिमन्यु सिंह, फर्स्ट इंडिया।